अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 14 की। इनमें क्या करना है अपन को, अपन को देखो क्वेश्चन नंबर 12 में लेफ्ट हैंड साइड में प्रश्न दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में दिया हुआ है इसका मान, कि इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 3/2, ये अपन को सिद्ध करना है। कैसे होगा इसमें देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है तो अपन लिख देते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो cos 30 का मान, तो पहले अपन क्या करें, एक बार लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं इसको वापस, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिवाइड में 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। देखो cos 30 का मान कितना, अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 60, ये भी अंडर रूट 3/2, बट्टे में कितना आ जाएगा 1 का 1 ही रहेगा, प्लस cos 60 का मान कितना होगा, cos 60 हो जाएगा अपने 1/2 प्लस साइन 30, ये भी 1/2। अब ऊपर लसपा लेते हैं और नीचे भी लसपा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो ऊपर लसपा आया अपने 2 का भाग 2 में, एक बार 1 × √3 कितना हो जाएगा, √3, इधर भी 2 ही है तो सीधा लिख देते हैं 1 × √3 कितना, √3। अब बट्टे में देखो नीचे क्या दिया हुआ है, 1 + 1/2 + 1/2, आधा और आधा 1 होता है, 1 और 1 2, तो अपन सीधा लिख दें यहाँ पे, चलो लसपा लेके कर लेते हैं, लसपा आया अपना 2। अब देखो 1 के बट्टे में कितना, 1 का भाग 2 में कितनी बार, 2 बार, 2 × 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 × 1 1 प्लस यहाँ वापस सेम रहेगा 1, 2 + 1 3, 3 और 1 4, कितना आ गया, √3 + √3 हो गया 2 √3/2, और इसके बट्टे में कितना, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4/2। अब देखो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 कट गया 2 पूरा, नीचे कितना, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये कितना बनेगा, ये ऊपर बनेगा √3/1/2। अपन जानते हैं कि भिन्न के अंदर एक और भिन्न आ जाती है, तो वो कैसे लिखेंगे, नीचे वाले भिन्न को उल्टा कर देंगे, तो यहाँ क्या बनेगा, √3/1 × 1/2। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा √3/2, जो अपने राइट हैंड साइड में दे रखा है, बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। ये अपना एक सिद्ध हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या दिया हुआ है, 4 sin 30 × sin² 60° प्लस 3 cos 60 tan 45। इसको अपन को सिद्ध करना है किसके बराबर, 2 sec 45° उसका स्क्वायर माइनस cosec² 90°। कैसे होगा, देखो अगर राइट हैंड साइड में कोई संख्या दे रखी होती तो अपन सीधा कर लेते हैं, लेकिन उधर भी एक वैल्यू दे रखी है, इधर भी एक कोई वैल्यू दे रखी है अलग अलग, तो इधर साइन कॉस है उधर सेक कॉस है, तो अपन क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, देखो 4 sin 30° 4 मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, 4 sin 30° × sin² 60° प्लस 3 cos 60 × tan 45°। इसको अपन हल करते हैं, यहाँ क्या बनेगा, 4 × sin 30 कितना हो गया, 1/2 × sin² 60°, ये हो गया √3/2² प्लस 3 × cos 60 कितना, cos 60 होता है 1/2 × tan 45° का 1, ठीक है। अब
यहाँ पे क्या रहेगा, दो एकम दो, दो दूनी चार, तो ये हो गया दो गुणा अंडर रूट तीन का स्क्वायर कितना हो गया, तीन, और दो का स्क्वायर चार, प्लस यहाँ पे तीन इंटू एक कितना हो जाएगा, तीन बट्टे में दो, ये दो और ये चार कटेंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार, क्या बनेगा, तीन बटा दो प्लस तीन बटा दो, तीन बटा दो प्लस तीन बटा दो कितना हो जाएगा, देखो जब किसी संख्याओं का हर समान होता है तो अपन अंश को सीधा जोड़ सकते हैं, तो तीन प्लस तीन कितना हो गया छः, तो इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा छः बटा दो, कट रहा है, दो एकम दो, दो दिया छः, तो अपने कितना आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, ये आ गया तीन। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड इसको नोट कर लेते हैं पहले, तो इधर क्या दिया हुआ है, इधर दिया है अपने टू सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। सेक 45 का मान कितना होता है, सेक 45 का मान होता है दो, सॉरी अंडर रूट दो, उसका स्क्वायर करना है तो वो दो हो जाएगा, अंडर रूट दो इसका स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, कोसेक 90 कितना, एक, एक का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा दो गुणा में अंडर रूट दो का स्क्वायर कितना दो, माइनस एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर हो जाएगा एक, दो दूनी चार, चार माइनस एक, ये कितना आ गया, ये आ गया अपना तीन। देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया था तीन और राइट हैंड साइड में कितना आ गया तीन, तो अपन क्या लिख सकते हैं, अतः लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, ये अपना सिद्ध हो गया, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, देखो इसमें क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में भी एक अलग फॉर्मूले से दिया हुआ है, इधर साइन है तो इधर टेन, अपन को दोनों को बराबर लाना है, तो बात करते हैं 16 में लेफ्ट हैंड साइड की, क्या दिया हुआ है, साइन 60, साइन 60 प्लस साइन 30 डिग्री बटे में साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, अब मान रखते हैं दोनों का, तो यहाँ क्या बनेगा, देखो साइन 60 होता है अंडर रूट 3 बटा 2 प्लस साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा 1 बटा 2, इस पूरे के बट्टे में कितना, साइन 60 माइनस साइन 30, तो अंडर रूट 3 बटा 2 माइनस 1 बटा 2, अब क्या करें, लसवो ले लेते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, देखो ऊपर आ गया दो, दोनों सेम है तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1, और बट्टे में नीचे क्या आएगा, यहाँ पे भी दो लसप आएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1, अब देखो दो से दो कट गया, पीछे क्या बचा, दो से दो कट गया, पीछे अपने अंडर रूट 3 प्लस 1 बट्टे में अंडर रूट 3 माइनस 1, ठीक है, इसके आगे इसको हल कर सकते हैं, कर सकते हैं परिमेयकरण करके, बट अपन को करना नहीं है। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड में देखो क्या दिया हुआ है, यहां आपने दे रखा है टेन 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री बट्टे में, ऊपर प्लस है नीचे माइनस दे रखा है, टेन 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री, टेन 60 का मान कितना, अंडर रूट 3, ये आ गया अंडर रूट 3 प्लस टेन 45 वो होता है 1, 1 बट्टे में टेन 60 माइनस 45, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1, ये ऐसा कहीं दिख रहा है क्या आपको, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड, तो अपन क्या लिख सकते हैं, अतः लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है,
राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड, ये अपना एक हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 में क्या दिया हुआ है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है अपने 2 ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6, ये कितना, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस, यहाँ पे स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉस 45 का मान 1 बटा अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस टेन 60 का मान अंडर रूट 3 उसका स्क्वायर, माइनस 6 गुणा में कितना, साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1 बटा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ गया यहाँ पे, 2 ब्रैकेट में 1 बटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो ये आ गया अपना 1 बटा 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना, 3 माइनस 6 ब्रैकेट में कितना, 1 बटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1 बटा 2 माइनस 1 बटा रूट 3 का 1 बटा 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन लसअप लेते हैं, एलसीएम लेंगे अपन, क्या आ जाएगा, 2, ये पूरा एलसीएम आ गया 2, 2 का भाग 2 में कितनी बार आएगा, एक बार, 1 को 1 से गुणा किया कितना आया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। फिर देखो 3 के बट्टे में कितना दिया हुआ है, 1, 1 का भाग 2 में कितनी बार, 2 बार, 2 इंटू 3 कितना हो गया, ये आ गया अपना 6 माइनस, इधर 6 बार पड़ा है, लसअप कितना आएगा, देखो इधर 2 है इधर 3 है तो 2 दिया 6, लसअप कितना आ गया, 6, 6 में 2 का भाग कितनी बार, 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया कितना, 3 माइनस 3 का भाग 6 में कितनी बार, 2 बार, 2 इंटू 1 कितना हो गया, ये हो गया अपने 2। अब यहां देखो ये 2 इसके गुणा में पूरे ब्रैकेट के, और इसके पूरे 1 प्लस 6 इस पूरे के बट्टे में कितना, 2, तो 2 से 2 कटेगा, ये 2 से 2 कट गया, पीछे कितना बचा, 1 प्लस 6 कितना हो गया, ये हो गया अपने 7 माइनस, यहां पे भी 6 से 6 कट गया, ये 6 से 6 कट गया, पीछे कितना बचा, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 1 गया, पीछे कितने बचे, 6, और ये अपने राइट हैंड साइड दे रखी है, ये आ गया इक्वल टू में आर एच एस, ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21 की, कि क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों सेम ही है पहले वाले क्वेश्चंस की तरह, तो आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करना है अपन को, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना पड़ेगा, x का मान रखना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर सिद्ध करना है। तो यहां क्या आ जाएगा, x का मान 30 डिग्री रखते हैं अपन, क्या बनेगा, साइन 3 इंटू 30 डिग्री बराबर 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, साइन क्यूब 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो इधर कितना बना लेफ्ट हैंड साइड में, साइन 30 दिया 90, तो ये आ गया साइन 90 डिग्री बराबर में 3 गुणा साइन 30 कितना होता है 1 बटा 2 माइनस 4 साइन क्यूब 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 का होल क्यूब 4 गुणा 1 बटा 2 का क्यूब। अब साइन 90 कितना, ये हो गया 1 बराबर में कितना है यहाँ पे 3 बटा 2 माइनस 4 गुणा
एक बटा दो का क्यूब कितना, दो दूनी चार दूनी आठ, एक का एक रहेगा और दो का क्यूब हो जाएगा आठ। यहाँ देखो चार एकम चार और चार दूनी आठ, पीछे कितना बचा, एक बराबर तीन बटा दो माइनस एक बटा दो। तीन बटा दो में से एक बटा दो गया, हर दोनों के समान है तो अपन अंश को सीधा माइनस करते हैं, तीन में से एक गया दो, ये आ गया आपने एक बराबर दो बटा दो, दो से दो कट गया, पीछे कितना एक। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आई क्या, बिल्कुल आई है, तो ये अपना प्रूव हो गया यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन इति सिद्धम, वैसे संस्कृत वर्ड है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो tan 2x बराबर 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x, x का मान रख देते हैं, कितना रखना है 30 डिग्री, तो क्या बनेगा tan 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है। ये कितना हो गया tan 60 डिग्री बराबर 2 इंटू tan 30, कितना tan 30 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 3 बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 बटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना बनेगा tan 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3 बराबर में, यहाँ ऊपर रहा 2 बटा अंडर रूट 3 और पूरे के बट्टे में 1 माइनस 1 बटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा 1 बटा 3। अब लसपो लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 बराबर 2 बटा अंडर रूट 3 बट्टे में, देखो यहाँ पे इसके 1 के बट्टे में 1 है और उधर 1 बटा 3 है, लसपो कितना आएगा 3 आएगा, एक का भाग तीन में कितनी बार, तीन बार, तीन को एक से गुणा किया कितना आ गया तीन, माइनस तीन का भाग तीन में कितनी बार एक बार, एक को एक से गुणा किया ये आ गया एक, तीन में से एक गया दो, ये कितना बनेगा अंडर रूट तीन बराबर दो बटा अंडर रूट तीन, इस पूरे के बट्टे में कितना दो बटा तीन। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखो a बटा b, a बटा b इस पूरे के बट्टे में c बटा d है, तो क्या होगा a बटा b के साथ c बटा d को अपन उल्टा करके लिख देंगे, d बटा c करके, ऐसे कैसे अपन यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्या आएगा ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बराबर में 2 बटा अंडर रूट 3 इंटू 3 बटा 2, दो से दो कट गया, अंडर रूट तीन से तीन कितनी बार जाएगा अंडर रूट तीन बार जाएगा, तो अंडर रूट तीन से ये तीन कट के पीछे बचा अंडर रूट तीन, कितना हो गया अंडर रूट तीन बराबर अंडर रूट तीन, सिद्ध हो गया अपना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, इसमें क्या है साइन एक्स बराबर वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू का अंडर रूट, x का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहां अपन रख देते हैं साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 इंटू 30 बट्टे में 2। अब देखो साइन 30 1 बटा 2, 1 बटा 2 बराबर में अंडर रूट 1 माइनस कॉस 60 डिग्री बट्टे में कितना रहेगा 2, कॉस 60 का मान 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 बराबर अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा 2, इस पूरे के बट्टे में कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब आप सब जानते हो एक में से अगर आधा माइनस कर देंगे तो पीछे कितना बचेगा आधा ही रहेगा, तो उसको अपन 1 बटा 2 लिख दें, 1 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा 1 बटा 2 बटे में 2। अब देखो
दो के बटे में कितना रहेगा, एक। तो इसको अपन उल्टा कर दें वापस, इसको उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक बटा दो बराबर अंडर रूट में एक बटा दो गुणा, ये दो बटा एक था तो उल्टा होगा तो क्या होगा, एक बटा दो। ये कितना हो गया, एक बटा दो बराबर अंडर रूट एक बटा दो का स्क्वायर। और आप सब जानते हो कि अंडर रूट दो का स्क्वायर कितना होता है, दो होता है, वैसे के वैसे एक बटा दो का स्क्वायर उसके बाहर अंडर रूट, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, पीछे कितना बचेगा, एक बटा दो बराबर एक बटा दो। ये अपना सिद्ध हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, कल अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7। थैंक यू।